हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम परवर से एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। इसे हमारे यहाँ परवर का ढोंगा बोला जाता है। आप लोग वीडियो को देखने के बाद बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ इसे किस नामों से जाना जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आपके बच्चे परवर की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप लोग इस तरह बना कर दीजिए, देखिए उनकी फेवरेट हो जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। परवल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम परवल ले लिया है। परवल को हमें धोकर के ले लेना है। परवल के एक किनारे से हमें हल्का हल्का कट कर लेना है और जो कटा हुआ भाग है उसे हमें फेंकना नहीं है, वो अभी काम आने वाले हैं। अब इनके अंदर का जो बीज होता है या जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें चाकू की मदद से हमें निकाल लेना है। देखिए, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। परवर को हमें एकदम खोखला सा बना लेना है। तो इसी तरह से हम सारे परवर के अंदर के बीज को निकाल लेंगे। तो सारे परवर के बीज निकाल लिया हमने, देख सकते हैं। अब परवर को हमें अच्छी तरह से धुल लेना है। अब एक बर्तन ले लेंगे, इसमें डालेंगे करीबन 1.5 कप बेसन। तो 250 ग्राम के लिए 1.5 कप बेसन बहुत है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक ले लेंगे। आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। फिर यहीं पर 1/4 चम्मच हींग ले लेंगे। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और खाने में भी टेस्टी बनेगा। अब यहीं पर बारीक कटा हुआ एक थोड़ा सा प्याज ले लेंगे, करीबन 2 चम्मच। कुटा हुआ मिर्च ले लेंगे जो कि हरी है, आप चाहें तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मसाले के साथ बेसन को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं बेसन में अच्छी तरह से घुल जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें इनका एक घोल तैयार कर लेना है। तो हमें इनका जो घोल तैयार करना है वो पतला नहीं रखना है, जिस तरह इडली बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं सेम उसी तरह हमें तैयार कर लेना है। उससे भी थोड़ा कड़ा ही रखना है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। तो देखिए, बैटर मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब चलते हैं, आगे का काम कर लेते हैं। अब हमको यहीं पर छोटी सी पोलोथीन ले लेना है। तो आप कोई भी पोलोथीन ले सकते हैं, दूध की थैली भी ले सकते हैं। अब तैयार किए हुए बैटर को हमें इसमें चम्मच की मदद से भर देना है। पोलोथीन में बैटर मेरा भर के रेडी हो चुका है। अब इनको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इनके एक कोने वाले भाग को हमें कैंची की मदद से या चाकू की मदद से कट कर लेना है। अब एक एक परवर को लेना है और इसके अंदर हमें बेसन को डालते जाना है। तो देखिए, पोलोथीन में रखने से बेसन ये परवर के अंदर कितने आसानी से चले जा रहे हैं। अगर आप लोग इसे चम्मच से डालेंगे तो ये नहीं जाएंगे, परवर फट भी जाएंगे। तो आप लोग इस तरह एक बार ट्राई करिए और परवर को थोड़ा हल्का ठोक दीजिए ताकि बेसन इनके अंदर अच्छी तरह से भर जाए। परवर को बेसन से हमने अच्छी तरह से भर लिया है। अब चलते हैं, इसको पैक कर लेते हैं। तो पैक करने के लिए हम जो इनका कटा हुआ ऊपरी भाग था उसी का इस्तेमाल करेंगे, उसी से सारे को हम ढक देंगे। परवल अच्छी तरह से पैक हो चुका है। अब चलते हैं गैस के पास। गैस को ऑन करेंगे, इस पर रखेंगे एक भगोना। भगोना में डालेंगे 1.5 गिलास पानी। अब एक छेद वाला बर्तन ले लेंगे, भगोने के ऊपर रख देंगे और इनको ढक करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पर करके। तो देखिए, 2 मिनट हुए, अच्छी तरह से उबाल इसमें आने लगा और देखिए भाप निकल रहे हैं। अब भरे हुए परवर को हमें इनके ऊपर एक एक करके रख देना है। तो अब इनको ढक करके 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब इनको खोल कर देखेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो गए हैं। बेसन जो है वो परवल से थोड़े बाहर आ गए हैं और परवल भी अच्छी तरह से पक चुका है। गैस को बंद करेंगे और परवल को एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो थोड़े जल रहे हैं तो आप लोग चिमटे से निकालिए, तो मेरी आदत हो गई है तो मैं निकाल ले रही हूँ। तो सारे परवल मेरे निकल चुके हैं, अब इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब चलते हैं मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में लाल मिर्च, लहसुन जो भी है इनको हमें पीस लेना है। परवर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब एक धार वाले चाकू ले लेंगे और एक परवर में से हमें 3 या 4 भाग कट कर लेना है। तो
तो दोस्तों परवल की जो कटिंग हम प्लेट में कर रहे हैं, आप लोग सब्जी काटने वाले पटरी पे करिएगा, जो कि बहुत ही आसानी से अच्छे से कटिंग हो जाएगी। परवल की कटिंग हो चुकी है और बारिश भी हो रही है, तो इस बारिश में इस परवल की ढोंगे की रेसिपी खाने में मज़ा बहुत आता है। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल, आप रिफाइन भी ले सकते हैं, और इस परवल को हमें थोड़ा फ्राई कर लेना। इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, कम से कम 2 से 1.5 मिनट लगता है, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। तो सारे कटे हुए परवल को इसी तरह से ऊपर नीचे करके हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। दोस्तों इन्हें फ्राई करके आप लोग इसी तरह भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा कि आप लोगों ने कभी परवल से बने ढोंगे रेसिपी को खाया या नहीं, और आप लोग किस शहर से, किस गांव से, किस ज़िले से हमको देख रहे हैं, आप लोग ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों का धन्यवाद कर सकें। तो आप लोगों से बातें करने में ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह सारे परवल को हमें फ्राई कर लेना है। अब चलते हैं आगे का काम कर लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में, उसी तेल में, अगर तेल कम हो तो आप लोग डाल दीजिए, कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2 तेज़पत्ते हैं, और फिर कटी हुई प्याज डाल देंगे एक छोटी सी। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। तड़का अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसमें डालेंगे कुछ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जैसे चटक जाए, फिर इसमें पिसे हुए मिर्च और लहसुन को डाल देंगे। मसाले को डालने के बाद तुरंत इनको ढक देंगे, ताकि इनके अंदर का खुशबू और तेल उड़े ना। 10 से 12 सेकंड के बाद इनको खोलेंगे और देखिए मसाले का कलर, मसाला कितने अच्छे से पकने लगा है, और इसके जो छींटे आते हैं वो आना बंद हो चुके हैं। तो आप लोग भी अगर पिसे हुए मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं और डालें, तो तुरंत ढक्कन से इन्हें ढक दीजिए। इस तरह करने से मसाले का जो टेस्ट रहता है वो सब्ज़ी में अच्छी तरह से आता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। अब इनको भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे और इनको ढक कर के छोड़ देंगे जब तक कि उबाल ना आने लगे। तो इसमें उबाल आने लगा, अब इसमें अपने स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो नमक का इस्तेमाल कम करिएगा, क्योंकि नमक का इस्तेमाल हमने बेसन में भी किया था, तो आप अपने अनुसार, अपने स्वादानुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें उबाल आने लगा है, अब इसमें फ्राई किए हुए परवल ढोंगे को डाल देंगे, एक एक करके डालिएगा। परवल को हमने डाल दिया है, अब इनको ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। दोस्तों मेरी सब्जी अच्छी तरह से देखिए पक रही है, लगभग पक चुकी है। तो हमने इसमें 1 चम्मच बेसन को घोल करके डाला है, तो उसे डालते समय हम वीडियो को शूट नहीं कर पाए दोस्तों। तो आप चाहे तो बेसन का इस्तेमाल ना करें। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और आप लोगों को फिर दिखाते हैं। तो लीजिए दोस्तों मेरी परवल की ढोंगा सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस को खाना है, और आप लोग इस तरह एक बार बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों मेरी परवल की रेसिपी, मेरी ढोंगे वाली सब्जी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसे जब पढ़ने जाऊं तो मेरे चेहरे पे एक अलग सा मुस्कान आ जाए। और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।